Hey guys, good morning, welcome back to my channel. सुबह हो चुकी है एंड कल रात को हमने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था आप लोगों के साथ. मैं एक छोटा सा क्लिप भी शेयर की हुई थी. तो आज क्या क्या करते हैं मैं आपको साइड बाई साइड बताऊँगी. सो अभी मैं खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में है मिसलेरी पाव भाजी एंड ये क्या पता नहीं, वो सूजी का उपमा टाइप कुछ है. उत्तपम नहीं, सूजी का उपमा टाइप कुछ है. तो चलो मैं ब्रेकफास्ट निपटा के आप लोग से मिलती हूँ. ठीक है, फर्स्ट मैं हो गई रेडी पूरा एकदम. एंड ये लोग को देखो कुछ रेडी वेडी नहीं है, ऐसे ही गप्पे में. ऐसे डर के जा रहे हैं जब भी मैं लिट्टू भाई इतना डरते हैं ना, लाइक उनको ना ये सब बिल्कुल मतलब बहुत साई नेचर के हैं वो. देखो कैसे अपने मुंह छुपा छुपा के जा रहे हैं लिटरली. देखो कैसे अपने मुंह छुपा छुपा के जा रहे हैं लिटरली. लिट्टू भाई हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग कब से हो चुका. चलो गाइस मैं भी जाऊंगी मुख दर्शन करने के लिए भगवान जी का. एंड मेरे साथ अगर कोई जाएगा तो जाएगा, वरना मैं मुख दर्शन करके बस वापस आ जाऊंगी. तो यस तो गाइस कल के बारे में आप लोग को मैं कुछ शॉर्टकट में बता दूं कि कल हम लोग जो शनि सिन्हापुर गए थे ना, वहाँ का माना जाता है कि वहाँ पे चोरी ही नहीं होता. एंड उनके यहाँ पे किसी के घर में भी ताला नहीं लगती है. एंड और एक बात है कि वहाँ पे कल बहुत अच्छा दर्शन मिला हम लोग को, काफ़ी अच्छा लगा हमको, बहुत सुंदर दर्शन हुआ. हम लोग अच्छे से पहुँच भी गए एंड कल पापा का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ. आज देखते हैं अगर कुछ हो पाता है तो करेंगे. हम लोग का प्लान है एक जगह जाने के लिए, अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग ज़रूर जाएंगे, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी. एंड अभी मैं जा रही हूँ मुख दर्शन के लिए भगवान जी का. एंड लिट्टू भैया मेरे साथ जा रहे हैं, पता नहीं किसके साथ फ़ोन पे गप्पे लड़ा. तो हम दोनों ही जाएंगे. फ़ोन मैं रिसेप्शन में डिपॉजिट कर दूँगी, क्योंकि मुख दर्शन में भी ना आप फ़ोन नहीं ले सकते. एंड बहुत कुछ यहाँ पे मतलब नियम थोड़ा सा चेंज भी हुआ है. कोई अगर 3-4 साल से नहीं आया है ना, तो उनके लिए मतलब थोड़ा सा देख के लाइक ड्रेस वगैरह को लेके, बच्चा का मैंने कल आप लोग को बताया भी था, वो एक बात भी है. एंड अगर आप 64 से ज़्यादा हो तो आपको लाइन लगना नहीं पड़ता है. और अगर किसी का मेडिकल इशू है तो वो अपना फाइल वाइल लेके आओगे तो वो भी तुमको आराम से छोड़ देते हैं, तो वो भी है अच्छा बात है. और आप लोग ना अगर यहाँ के लोकल हो तो नंबर 2 में जा सकते हो, एंड लोकल जो नहीं है ना वो 3 नंबर गेट से जा सकते हैं. और मैं तो 2 नंबर गेट के पास ही रहती हूँ, लेकिन 3 नंबर भी मेरे से पास ही पड़ता है. तो आराम से मैं दिन में 4-5 बार भी दर्शन कर लेती हूँ. एंड बस इतना ही अभी के लिए. सो चलो मैं भैया को बुलाती हूँ, लेट्स गो. ए मैंने कहीं जीपे नहीं है बे, अब मैं मुखदर्शन था. ओके सो हम लोग हाँ यहाँ पे दे दूंगी ना, यहाँ पे. तो हम लोग अभी नीलेश के शॉप तक चलेंगे और वहाँ पे मैं मोबाइल डिपॉजिट करके मतलब उसको ही दे दूंगी. एंड उसके बाद से लेट्स गो. इतना फोन आता है कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इनका इतना फोन आता है. चलो चलते हैं. पे आते टाइम से लगा देखो ये सब खरीद रहे हैं हमारे भैया बहनों के लिए. डेली आप जाओ घर पे आते हो. मैं गाइस बस ये खरीदी हूँ, कितना सुंदर है ना. एंड हम लोग यहाँ से धूपदानी बहुत सारा लेके जा रहे हैं. और यहाँ पे ना भाई दुख करे भाई नवा फ्रेगनेंस बहुत अच्छा रहता है. ये सब जो होता है ना इसका फ्रेगनेंस धूप का बहुत सुंदर रहता है. तो बस ये लेके जा रहे हैं बहुत सारा. A few moments later. मैं
डेज हम लोग का सडनली डिसाइड हुआ कि सप्तशृंगी जाना है. सो हम लोग अभी एक साथ गाड़ी बुक कर लिए हैं एक्टिका, एंड वहाँ पे सब जा रहे हैं सप्तशृंगी, जो कि है एक देवी माँ का मंदिर. बहुत सुंदर है, मैंने सुना है, कभी तो गया नहीं है, लेकिन यस इस बार हम लोग जा रहे हैं. तो मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ. अभी हम लोग निकल ही रहे हैं. तो यस दीदी गए हैं कुम्मू के सब चीज़ें लाने के लिए. मैं बैठ गई हूँ गाड़ी के पीछे एज ऑलवेज सीट में. सो यस अभी पापा बैठ रहे हैं एंड बाकी सभी फिट हो जाएंगे. सो लेट्स गो. यहाँ से मतलब सिरडी से लगता है 3-3.5 घंटा और वहाँ पे है रोपवे. सो अभी 3-4 घंटे बाद फिर मैं आप लोग से. सो गाइस देवी माँ का बुलावा आ गया. हम लोग का कोई प्लान भी नहीं था, ट्रस्ट मी, एंड हम लोग निकल पड़े सप्तशृंगी माँ के दर्शन के लिए. एंड रास्ते में ना हम लोग को बहुत कुछ नया नया चीज़ें देखने के लिए मिला, लेकिन मुझे खास करके क्योंकि यहाँ में ना पानी में डूबा हुआ एक मंदिर था, जो कि बस गर्मी के टाइम में ही महादेव जी पूजा पाते हैं, बाकी टाइम में ये पानी में डूबा रहता है, मतलब नदी में, नदी के बीचों बीच है. सो ये एक नया चीज़ है मेरे लिए. और रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा था, बहुत सारे वाटरफॉल थे, एंड हम लोग को डर भी लग रहा था क्योंकि एकदम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड अंधेरा हो गया था हर तरफ. उसी में भी हम लोग बड़े स्ट्रगल करके पहुँचे हैं. माता रानी ने हमको बहुत सही से पहुँचा दिया एंड सही से हम लोग शिरडी भी वापस आ गए थे. लेकिन तब हम लोग को बहुत डर लग रहा था गाइस, ट्रस्ट में हम लोग मतलब बहुत डरे हुए थे, क्योंकि ना यहाँ पे रास्ता बहुत ये वो था एंड यहाँ से ना पत्थर वत्थर भी गिर रहा था हमारे आगे, जस्ट ही गिरा था. मैंने उसका और वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि ना मुझे बहुत पैनिक हो रहा था. सो हम लोग जैसे जैसे करके बहुत अच्छे से पहुँच गए आगे. आप पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे ऐसे मतलब पहाड़ के ऊपर ऐसे कुछ है मॉल जैसा, यहाँ से है लिफ्ट में जाने के लिए रोप वे में. तो एक एक का टिकट लगता है 110, एंड अगर आप के साथ कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनके लिए आपको व्हीलचेयर लेना पड़ेगा, उसका चार्जेस है 100 रुपीज़. तो वो लोग क्या करते हैं आपको पूरा ऊपर तक पहुंचा देंगे और वापस भी लेके आएंगे. बहुत अच्छा मतलब ये एक है. तो चलो मैं अभी चलती हूँ ऊपर, फिर मिलती हूँ आप लोग से. बोलते हैं सवर का फल बहुत मीठा होता है, ये सच बात है, क्योंकि हम लोग इतना स्ट्रगल के बाद माता रानी का इतना सुंदर चेहरा हम लोग देखे, ये हमारा बहुत अच्छा नसीब है गाइस, क्योंकि ये 51 पीठों में से एक है, मतलब शक्ति पीठों में से. एंड हम लोग को ना बहुत अच्छा दर्शन मिला. हम लोग जब वापस आए ना तो हमको कुछ स्ट्रगल ही करना नहीं पड़ा, हम आराम आराम से पहुँच गए. वहाँ से निकलने के बाद गाइस हम लोगों ने बस अच्छे से खाना वाना डिनर कर लिया, उसके बाद हम लोग शिरडी के लिए निकल गए थे. फ्रेश हुए एंड यहाँ पे जो हमारे होटल के सामने ना ये जो चाय बादाम मिल्क वा ऐसे सब रात भर खुला रहता है, तो आप कभी भी आके पी सकते हो. तो हम लोग बस थोड़ा सा, मैं चाय पी रही हूँ, दीदी लोग कॉफ़ी पी रहे हैं,
एंड मेरे को नींद भी बहुत आ रही है। हम लोग पहुँचते पहुँचते 1 हो गया था, अभी का टाइम हो रहा है 1:30 अराउंड ही। सो यस, हम लोग अभी चाय वाय पियेंगे एंड जाएंगे फिर सोएंगे। मेरा टिफिन का पहले वो लेके जाता हूँ घर पे। अच्छा ऐसा है, एक दिन ये